हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है वो है हमारी किया की सोनेट 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इसका इंजन है और आज हमने इसमें लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हमने किस तरह की सीएनजी इंस्टॉलेशन की है, सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल होते हैं और उन पार्ट्स की फंक्शनिंग क्या क्या होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा सोनेट का इंजन बे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सीएनजी इंस्टॉल्ड है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड हैं। ये है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसके थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये है हमारा रिड्यूसर, रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये है हमारा गेज, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है सीएनजी का गाड़ी के अंदर, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल करानी है। ये है हमारा मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स, इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन, बहुत स्मूथ पिकअप मिले। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है मगर इसमें इंजेक्टर है 8 पर सिलेंडर, 2 इंजेक्टर्स हैं इसमें। और इस साइड अगर हम आ जाए तो यहाँ लगे हैं 2 ECU, एक हमारा CNG सिस्टम का ECU है और एक हमारा 8 इंजेक्टर वाला ECU है। होता क्या है, जो हमारा CNG सिस्टम का ECU है वो 4 इंजेक्टर्स के लिए डिज़ाइंड होता है और गाड़ी में दिए गए हैं 8 इंजेक्टर, तो बाकी के 4 इंजेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए ये अलग से एक ECM लगता है जिसकी कॉस्ट CNG किट के अलावा होती है। तो होता क्या है, बहुत से इंस्टॉलर्स जो हैं CNG किट्स के प्राइस कम करने के लिए इस ECM की जगह इम्यूलेटर लगा देते हैं। इम्यूलेटर एक पुरानी टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो कि पहले कन्वेंशनल किट्स में लगाया जाता था, काम वो भी लगभग यही करता है मगर जो उसकी टेक्निक है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी है और ये काफ़ी एडवांस ECM होता है। ये इंजेक्टर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है इम्यूलेटर के मुकाबले। तो आप जब भी गाड़ी में अपनी सोनेट में या किसी भी 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी में CNG लगवाएं तो कोशिश करिए आप ये वाला ECU लगाएं। हाँ, आपको थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगी इस ECU की वजह से मगर वो वर्थ होगी। देखिए होता क्या है कि जब भी हम बाहर से CNG लगवाते हैं गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है। अगर गाड़ी की वारंटी ख़त्म और खुदा ना खास्ता आपने कुछ पैसे बचाने के लिए इम्यूलेटर लगाया और उस इम्यूलेटर की वजह से आपकी गाड़ी के पेट्रोल के फ्यूल सिस्टम में, इंजेक्टर्स में या इंजेक्टर रेल में कोई दिक्कत आ गई तो आपको बहुत मोटा खर्चा करना पड़ेगा उस दिक्कत को सही कराने के लिए। कहाँ आपने थोड़ा सा पैसा बचाया था इम्यूलेटर लगा के, वहाँ आपको बहुत मोटा पैसा खर्चा करना पड़ जाएगा बाकी की चीज़ों को रिपेयर कराने में। तो मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, देखिए लाखों की गाड़ियाँ होती हैं, हज़ारों का आप उसमें CNG लगवाते हैं तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, थोड़ी सी कंजूसी करने के चक्कर में आप गाड़ी का बेड़ा गरक ना करें। देखिए एक तो वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा है, हम लोगों को CNG में कन्वर्ट करना पड़ रहा है गाड़ियों को ताकि हम कुछ सेविंग कर सकें, और आप अगर कंजूसी करके कोई गलत चीज़ लगवा लेंगे और आपकी गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो सारा का सारा जो आपने पैसा बचाया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि एक बार में बेस्ट आप इंस्टॉलेशन कराएं, बेस्ट आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स चूज़ करें, ऐसे ही कोई नॉर्मल सी किट मत लगवाइए, हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट लगवाइए। ब्रांड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि किट गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो और जो भी पार्ट्स इंस्टॉलेशन के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं वो जेन्युइन हो और जो इंस्टॉलेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। अब आप देख सकते हैं किस तरह की इसमें इंस्टॉलेशन की गई है। और बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई सोनेट क्या एवरेज देगी हमें CNG लगने के बाद, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला पकड़ लीजिए, जो भी एवरेज आपको पेट्रोल पे मिल रही है उसमें 40-50% आप ऐड कर लीजिए, आपको कम से कम इतनी एवरेज तो ज़्यादा मिलेगी। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल बहुत अच्छा स्मूथ है और आप कम ट्रैफिक कंडीशंस में चलते हैं तो आपका ये परसेंटेज 60-70% तक भी जा सकता है। तो खैर अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ उसका स्विच किस तरह से हमने इंस्टॉल किया है और उस स्विच की क्या फंक्शनिंग्स हैं। तो ये है हमारा CNG का स्विच, एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ।
गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। गाड़ी अभी गर्म है तो सीधा सीएनजी पे ही स्टार्ट हुई है। अगर ये ठंडी होती तो पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होती, उसके बाद ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करती और ब्लिंक जब स्टेबल हो जाता तो मतलब गाड़ी हमारी सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए, अगर आप किसी लंबे टूर पे जा रहे हैं और आप पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो गाड़ी बिना रुके बिना बंद हुए सीधा पेट्रोल पे आ जाएगी और एक बज़र बजेगा इसमें, उस बज़र को आपको ऑफ़ करने के लिए इस बीच के बटन को दबाना है तो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे ही चलती रहेगी। और जब आप नेक्स्ट रिफिल करा लें तो इस बटन को दोबारा दबा दें और गाड़ी आपकी सीएनजी पे आ जाएगी। और ये है हमारा सोनेट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आप देख सकते हैं इस टाइम कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। गाड़ी का एसी भी ऑन है। एक बार मैं एसी आपको ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। ये गाड़ी का एसी ऑफ़ किया, आरपीएम हल्के से नीचे आ गए। एक बार एसी ऑन कर देता हूँ, ये एसी ऑन हुआ, आरपीएम हल्के से ऊपर आ गए। ये एक नेचुरल बिहेवियर है। गाड़ी के एसी का लोड जब पड़ता है इंजन पे तो आरपीएम गाड़ी के बढ़ जाते हैं, जब कट होता है या फिर कंप्रेसर ऑफ होता है तो आरपीएम हल्के से नीचे आ जाते हैं। वो एक नेचुरल बिहेवियर है, उस चीज़ को लेकर आपको टेंस नहीं होना। अगर आरपीएम आपके बेतुके ऊपर नीचे होते रहें तब आपको थोड़ा सा टेंस होने की ज़रूरत है, मगर वो भी ट्यूनिंग के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि सोनेट में कितना स्पेस बचता है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा सोनेट का बूट स्पेस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस निकल के आता है इस गाड़ी में। 12 किलो का इसमें सिलेंडर लगा हुआ है और जो स्टेपनी है इसकी अपनी ही जगह पे है, तो ट्रैवलिंग के टाइम लगेज रखने में कोई इशू नहीं है। अब एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं उनकी गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है। तो सर, हमने आपकी आज सोनेट में सीएनजी इंस्टॉल की है। पहले तो आप ये बताइए, आप आए कहाँ से हैं? सर, हम आए कैथल हरियाणा से। हरियाणा से, तो इतनी दूर आना आपका सफल हुआ या? बिल्कुल हुआ सर। काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। गाड़ी आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, अभी चलाई है, पहले तो आप ही चेक कर रहे थे। जी जी, तो अभी तक ठीक लग रही है, आप कुछ नहीं चलाई है? ठीक है। तो सर, हमारे कम शब्दों में सेटिस्फाइड है और यही मैं, और जैसे सर की नई गाड़ी है। अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, सर की नई गाड़ी है, सर को पता है कि मेरी यूजेज ज़्यादा है तो गाड़ी को घर पे रख के उसकी इंस्टॉलमेंट भरना, उसकी इंश्योरेंस की अमाउंट भरना समझदारी नहीं है। सही है सर, बिल्कुल ना सर। इससे बढ़िया आदमी सीएनजी लगाए, जो पैसा खर्चा किया गाड़ी को खरीदने में उस पैसे को वसूल तो कर लें, गाड़ी की वैल्यू तो डिप्रिशिएट होती रहेगी। इससे बढ़िया अपना सीएनजी लगाओ, चलाओ, पैसा बचाओ, और जो पैसा है पेट्रोल पर खर्च करना वो आप अपनी फैमिली के लिए यूज़ करो, अपने किसी शौक के लिए, किसी पैशन के लिए यूज़ कर लो। पेट्रोल पर जला के आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है, पेट्रोल के रेट तो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो और बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई मैं नई गाड़ी में लगाऊं नहीं लगाऊं, मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी है, इतनी चली उतनी चली। तो देखिए सर, ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो तो पेट्रोल पे चलाओ, अगर आपको लगता है मेरी रनिंग ज़्यादा है और बेफजूल का खर्चा है तो आप सीएनजी लगाओ और अपना पैसा बचाओ, अच्छा खासा पैसा बच जाता है। और एक और सवाल रहता है, वीडियो बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि कौन सी किट लगाएं, कौन सा ब्रांड लगाएं, तो जो भी ब्रांड आपका इंस्टॉलर बताता है आप बस मेक श्योर कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेधड़क बिना किसी टेंशन के लगा लीजिए। बस आपका इंस्टॉलर बढ़िया होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं है, आपकी गाड़ी बेशक बहुत बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, बहुत से लोगों की शिकायत भी है मैं जवाब नहीं देता, तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, कुछ कुछ मिस हो जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्टिल आप मुझसे पूछिए, मैं देर सवेर आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझसे कनेक्ट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस गाड़ी का इंस्टॉलेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।